करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में कि कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। आज के वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो मैंने टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा उमंग स्टडी, वहाँ 18 से 19 हज़ार वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल होगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? ठीक ही गया। ठीक है, उतना प्रिपेरेंस नहीं था लेकिन ठीक गया। अच्छा, हाँ टाइमिंग कम था। हाँ हाँ बस ठीक। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर तो ठीक ठाक था पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा पूछ दिया था। अच्छा, अच्छा। कैलकुलेशन था ठीक। सीटिंग मतलब अगर टाइम रहता तो हो जाता। हाँ, अच्छा हाँ। था उसके बाद प्रॉफिट लॉस से था। हाँ। जिसमें कि एक बेईमान दुकानदार वाला था। अच्छा। फिर टाइम एंड वर्क था, बारी बारी क्वेश्चन था। हाँ। उसके बाद था कि तीन व्यक्ति करता उसमें टाइम एंड वर्क का था। हाँ हाँ। उसके बाद सीरीज से क्वेश्चन था आपका रैंकिंग। दो तीन क्वेश्चन था। हाँ। उसके बाद रैंकिंग का तो नहीं देखा। हाँ रैंकिंग का था, ऊपर नीचे मतलब बैठाना सिटिंग करना था। अच्छा अच्छा। और साइंस से था आपका प्रतिरोध का था, ओम का नियम का वैसे था, दर्पण से था, लेंस से भी था। हाँ। ये सब क्वेश्चन था और आपका। चलिए आते हैं फिर, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर? रुकिए दो मिनट रुक जाइए, अभी एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर काफ़ी अच्छा था लेकिन यही था कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था जिसके वजह से टाइमिंग कम मिला। अच्छा अच्छा जी। और उसमें साइंस का क्वेश्चन था, बहुत इजी ही क्वेश्चन था साइंस का, नॉर्मली मतलब सोडियम वगैरह अभिक्रिया वगैरह यही सब था। अच्छा अच्छा। और तो वैसे फाइनली और तो कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ मैडम एक मिनट रुक जाइए ना, आप भेज देना थोड़ा इधर। हाँ क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा था, टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे। ओम फिल्म के बाद एग्जाम लेट से होने के कारण प्रिपरेशन नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हुआ था 2019 में और एग्जाम ले रहे हैं 2022 में। अच्छा। चार साल का गैप। हाँ हाँ। इसलिए प्रिपरेशन कर नहीं पाए ठीक से। अच्छा अच्छा। हाँ कोई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी और सेक्शन भी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री से और मैथ्स के भी क्वेश्चन बहुत इजी थे, रीजनिंग भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक के बाद सारे, कोई सेक्शन नहीं बटा हुआ था, सारे क्वेश्चन आ रहे थे, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। मैंने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। हाँ दो मिनट रुकिएगा, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? टाइमिंग के यही थोड़ा मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था इसलिए। हाँ? टाइमिंग का थोड़ा सा कमी है लेकिन फिर भी किसी तरह। रुके, 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 दो मिनट। हाँ और कुछ एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे आज? इजी क्वेश्चन था, रीजनिंग से तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, कैलकुलेशन भी रीजनिंग का सही था, साइंस से रासायनिक समीकरण का पूछा था और मैथ में भी द्विघात समीकरण, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, CI वगैरह से क्वेश्चन पूछा ही था, ऐसा ही सब ये क्वेश्चन था। हाँ भी क्वेश्चन इजी था सर। हाँ कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 73 अटेम्प्ट किया। 73? यस सर। अटेम्प्ट 80 50 प्लस 65 75 75 71 क्वेश्चन। आपके लैब में अटेंडेंस कितने थे? अटेंड एक्चुअली में जितने होने चाहिए उतने अटेंडेंस थे नहीं, मे भी हो सकता है एग्ज़ाम बहुत लेट से हुई है इस वजह से लोग नहीं आ पाए, अटेंडेंस बहुत कम थे, मेरे सामने वाले और बगल वाले सारे सीट्स सारे खाली ही थे, लोग बहुत कम थे, कैंडिडेट्स बहुत ही कम आए हुए थे। तो अप्रोक्सीमेटली कितना अटेंडेंस रहा होगा? अप्रोक्सीमेटली मे बी 65% अटेंडेंस। 65। आपके लैब में अटेंडेंस कितना था? कम ही था लगभग 50% 50% नहीं 40% 40% 40 से 50 43 30 40 तक होगा 40 के आसपास होगा। आपका लैब में अटेंडेंस कितना था? 50% चलिए थोड़ा सा फोकस करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस का आप लोग का सिलेबस में वेटेज दिया गया 20 नंबर का, जिसमें दो पोर्शन होता है कि स्टैटिक और एक करंट। तो स्टैटिक और करंट मिला करके टोटल कितना क्वेश्चन था लगभग अप्रोक्सीमेटली? सर 10 क्वेश्चन था सर करेंट। स्टैटिक और करंट मिला के सिलेबस में 20 क्वेश्चन दिया गया, 20 नंबर दिया गया और 10 ही क्वेश्चन था। यस सर, फ्रेंच ओपन वगैरह से भी पूछा था, फ्रेंच ओपन वगैरह से पूछा गया था। 2022 स्टैटिक और करंट मिला के कितना क्वेश्चन था? 20 होगा लेकिन करंट से ज्यादा नहीं था, जैसे था एक संविधान संशोधन, कौन सा ये में आता है मतलब मौलिक कर्तव्य जो कौन सा संविधान संशोधन में आया था, इसलिए था। अच्छा ये था और एक पंचमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा कौन सा स्टेट में? पंचमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। वन उद्यान नेशनल पार्क है वो भी पूछा। नेशनल पार्क मतलब वन है जो एक गिर वन है ना वो,
अच्छा ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में जाके कौन सी रिवर मिलती है वो भी क्वेश्चन, बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर मिलती है वो भी क्वेश्चन आया था, मतलब करंट अफेयर से भी चार पांच क्वेश्चन थे और 2021 से भी क्वेश्चन आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, इस साल से भी कुछ क्वेश्चन टच किए गए थे और स्टैटिक से भी क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन अच्छे थे। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखने को मिला आज? हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था। क्या था बताइए, क्या था बताइए? नमक सत्याग्रह है ना, हाँ। वो कौन सा मतलब आंदोलन से था? अच्छा अनदर नाम उसका पूछा था, नमक सत्याग्रह का। अच्छा नाम से जाना, मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी तक इग्नोर किया जा रहा था लेकिन अब हिस्ट्री का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था लेकिन था, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन था उसका, क्या था बताइए सर? एक रेपो रेट से था, उस रेपो रेट के घटने या बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? पूछ लिया था कथन निष्कर्ष में, कथन निष्कर्ष कर, कथन निष्कर्ष रीजनिंग में, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं? बजट से इकोनॉमिक्स का और कोई क्वेश्चन नहीं? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंगलयान, बताइए क्या क्या याद नहीं आ रहा है? रेपो दर से पूछा था, बढ़ना या घटना से क्या होता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन बताइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था मंगलयान चंद्रयान इसरो डीआरडीओ जीएसएलबी पीएसएलबी कौन से इंस्टीट्यूट या फिर कौन से के द्वारा किया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, बस एक ही क्वेश्चन था उससे। जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन 2011 में जो सेंसस हुए थे इससे कोई क्वेश्चन नहीं थे? 2005 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, 2005 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अच्छा कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? बुक्स एंड राइटर का नहीं था। अवार्ड्स वगैरह से पद्म भूषण पद्म विभूषण क्लासिकल लैंग्वेज पूछा गया था कि क्लासिकल लैंग्वेज 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहा गया था, एक ये क्वेश्चन आया 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहा गया था, ठीक है। अवार्ड्स का क्वेश्चन क्या था, क्या था बताइए ना? याद तो नहीं आ रहा लेकिन एक था पद्मश्री से था, क्या था क्वेश्चन? एग्जैक्टली याद नहीं है। ओलंपिक में कौन सा टीम को पदक मिला था, टीम था। अच्छा अच्छा, कौन सा गेम भी पूछा गया था कि कौन से गेम को ओलंपिक्स में 2021 में कौन से गेम को मिला है मेडल, ये भी पूछा। अच्छा अच्छा, 2021 में, ठीक है। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन? फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री राज्यपाल नीति आयोग वाला था, क्या था जो नीति मतलब नीति आयोग आपका हो गया और पेंशन वगैरह हो गया, वो कौन डिसाइड करता है, किसके हाथ पे होता है? अच्छा अच्छा ठीक है। प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, राज्यपाल था। हाँ ठीक है ठीक है। उसके अलावा मुझे बताइए पड़ोसी देश से कोई क्वेश्चन, नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन? फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन? चलिए थोड़ा से ज्यादा क्वेश्चन टच किए गए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अच्छा क्या बोले? द्विस्थापन अभिक्रिया वाला था, द्विस्थापन अभिक्रिया वाला, डबल डिस्प्लेसमेंट जी, मतलब दिया गया था और बोला गया था ये कौन सा था, द्विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया था इसमें से द्विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है। पहला सवाल साइंस में ये है आप लोगों का कि साइंस का आप लोगों का वेटेज है सिलेबस में 25 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके, तो क्या 25 क्वेश्चन थे या फिर कम थे या ज़्यादा थे? 25 के आसपास थे। बायो से लेकिन क्वेश्चन बहुत कम, बायो से बहुत कम था, एक भी सवाल नहीं, बायो में नहीं बोला जा सकता है, बोला जा सकता पंछी मतलब दूर क्यों जाती है, उड़ के किस चीज के लिए जाती है, अपना स्थान ढूंढने के लिए, अंडे देने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए, इस तरह का ऑप्शन। मतलब ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान में जो बीमारियां होती है, जानवरों में जो बीमारियां, सबसे कोई क्वेश्चन नहीं था। पूछा गया था कि डायबिटीज किस वजह से होते हैं, ये क्वेश्चन, डायबिटीज किस वजह से होता है, कौन सी कमी से, कमी से होता है डायबिटीज। अच्छा बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन सिस्टम, लंग्स, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जू, सबसे कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए तो मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में किसका वेटेज ज्यादा था, फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा था, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, दोनों सेम ही होगा सर, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों सेम ही होगा। केमिस्ट्री में सारा आपका ये सब था, जैसे
हाँ अभिक्रिया वगैरह, मतलब कौन सा अभिक्रिया किसमें, और एक था कौन सा तत्व जो है हाइड्रोजन से ऊपर आता है अभिक्रिया में। अच्छा अच्छा, इस तरह का था ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया था उसमें बोला था सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। अच्छा, ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। और फिजिक्स में ज्यादातर लेंस से क्वेश्चन आए थे, कॉन्केव लेंस, मिरर, ये सारे क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस, ये सारे से ज्यादा ऐसा वाला क्वेश्चन था कि किसी एक ऑब्जेक्ट को इसके इसके बीच में प्लेस कर दिया जाता है तो उसका जो मिरर बनेगा वो, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये वाला हाँ, जैसे फोकस दूरी दिया हुआ है और आपको निकालना है वो। अच्छा, फोकस दूरी दिया गया था, आर दिया हुआ था, फोकस दूरी निकालना, ठीक है। तो फिजिक्स का मोटा मोटी कितना क्वेश्चन था, लगभग आठ से दस तीन चार न्यूमेरिकल्स था। तो न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल्स किससे था, ओम्स लॉ से था या फिर लेंस का फॉर्मूला से था, लेंस से भी थे, तीन था और एक इलेक्ट्रिसिटी से था, लेंस ऑप्टिक्स से तीन न्यूमेरिकल था और एक न्यूमेरिकल आपका इलेक्ट्रिसिटी से था, यानी कि न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ रहा है। दिया गया था, अच्छा, और आपका वाट दिया गया था और एम्पियर धारा निकल रहा, धारा पूछा गया था, ओम्स लॉ से डायरेक्टली क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का कोई क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से नहीं, बस एक क्वेश्चन था शायद, क्या था बताइए ना, था उसमें मतलब बताना था कि विद्युत क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा विद्युत आईपी किसका होगा। अच्छा अच्छा, आईपी मतलब समीकरण दिया हुआ था और उसमें बताना था कि सबसे ज्यादा इसमें से अभी मतलब विद्युत मतलब आईपी सबसे ज्यादा किसका है। ठीक ठीक, क्या था क्वेश्चन, विद्युत विद्युत का कुचालक किसमें होगा। ऑप्शन अच्छा। था आपका लेंस था, हाँ? उसके बाद आपका क्या बोलते हैं मरकरी था, हाँ? उसके बाद आपका सोडियम था, मैग्नीशियम। एक और केमिस्ट्री में क्वेश्चन था जिसमें था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर कौन सा केमिकल बनेगा, वो भी क्वेश्चन एक आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि केमिस्ट्री में डेली लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, क्या था वो, मतलब धोने का सोडा, हाँ, किस काम में आता, हाँ, किस लिए काम आता है, बेकिंग सोडा किस में काम आता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला दिया हुआ था, और धावक सोडा किस लिए यूज करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इस तरह का था ऑप्शन उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसके बाद आप मुझे ये बताइए, केमिस्ट्री में कोई ऐसा टॉपिक्स था जिसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, या फिर आपको लगा कि नहीं केमिस्ट्री में लगभग सभी टॉपिक्स का एक दो क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग तो टच किए गए, तो जो मेनली टॉपिक्स होते हैं उससे टच किए गए थे, मेनली टॉपिक्स को टच किए, जो क्या बोलते हैं ऑक्टेट का नियम था वो कितने तक सीमित था, जो कैल्शियम तक सीमित था वो बोला था कितने तक सीमित था। अच्छा अच्छा, कैल्शियम के बाद आगे लागू नहीं हो गया था ना, हाँ हाँ, वो था क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था, और सिंपलीफिकेशन से भी क्वेश्चन थे, सिंपलीफिकेशन से भी क्वेश्चन थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तीन क्वेश्चन आया था, एक नॉर्मल था, दो लेंथी टाइप से था। अच्छा ठीक है, सिंपलीफिकेशन भी एक इजी था तो एक डिफिकल्ट भी था। अच्छा अच्छा, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, किस टाइप का क्वेश्चन था, बस ये था कि उसमें ट्रू और फॉल्स, ट्रू बताना था कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है और कौन सा गलत है, बस एक वो क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन है, इसी तरह का तीन चार ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें बताना था कौन सा गलत, मतलब गलत है या सही है। कुछ क्वेश्चन लेंदी थे लेकिन इजी सेक्शन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, अच्छा था, और रीजनिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत बढ़िया था, सारा ही क्वेश्चन इजी थे रीजनिंग के। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन सारे अच्छे थे। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक्स का क्वेश्चन ज्यादा था, पजल से क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से, फ्लोर अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, और अल्फाबेटिक से क्वेश्चंस थे, और ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन थे, और सीरीज के भी क्वेश्चन थे, रैंकिंग से भी क्वेश्चन थे, फ्लोर अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन थे, मंथ अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन रहता है, वीक अरेंजमेंट भी था, और एक क्वेश्चन था
ईयर वाला जो डेट डे बताना रहता है कि चेंज करके कितना डे आगे कौन सा डे होगा, कैलेंडर से क्वेश्चन। कैलेंडर से कितना क्वेश्चन था? कैलेंडर से एक क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। यस सर, यस सर, बहुत इजी था। इजी था। क्लॉक, क्लॉक से कोई क्वेश्चन? क्लॉक से कोई क्वेश्चन से था, अल्फाबेट से था और रैंकिंग ऑर्डरिंग से था। ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट था। सीटिंग से तीन से चार क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट का वेटेज अच्छा खासा है। अल्फाबेटिक सीरीज से भी क्वेश्चन थे। अल्फा कितने क्वेश्चन थे? तीन क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन अल्फाबेटिक सीरीज से। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक जिसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं लगभग सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन? नहीं, सारे टॉपिक्स से नहीं पूछे गए थे। एक ब्लड रिलेशन नहीं था? ऐसा लग रहा था टारगेटली पजल से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे, सीरीज पजल इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे, मतलब पजल के आसपास के टॉपिक्स को ज्यादा चूज किया गया था। अच्छा, पजल से था और रह गया ब्लड रिलेशन से नहीं था, क्लॉक से क्वेश्चन एक नहीं था, मिरर से भी नहीं था। अच्छा, मिरर से भी नहीं था, मिरर वगैरह से क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ, कुछ क्वेश्चन टच किए ही थे। कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे आप? टेस्ट बुक से। अच्छा, क्या हेल्प हुआ टेस्ट बुक से? टेस्ट बुक से बहुत सारे क्वेश्चन एकदम मैच कर रहे थे, बहुत सारे सैंपल। अच्छा, जैसा लग रहा था कि वैसे ही है क्वेश्चन, मतलब हेल्प हुआ है। सैंपल पूरा मैच कर रहा था। आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाती थी? टेस्ट बुक से ही। कुछ हेल्प हुआ एग्जाम में? जी हाँ, क्या हेल्प हुआ? बहुत सारे, मतलब रीजनिंग में हेल्प हुआ, मैथ्स में हेल्प हुआ, मतलब उसमें जो पैटर्न दिया हुआ था वो सेम पैटर्न यहाँ पे था। अच्छा अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? नहीं नहीं, ठीक है। मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? थोड़ा बहुत हुआ। कहाँ से मॉक टेस्ट लगाती थी? मोबाइल से। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप मॉक टेस्ट लगाती थी? हाँ सर, कहाँ से? टेस्ट बुक से। क्या हेल्प हुआ इस टेस्ट बुक से? सर, सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट हुआ। हाँ। उसके बाद मैथ्स में लगभग आप बोलिए ना 80% मेरा हेल्प हुआ उसमें। हम लगभग एक मंथ लगातार डेली, मतलब बोलिए टाइम्स टेस्ट देते थे, उसमें मेरा मैथ्स का 80% उसी में से हमको मतलब हेल्प हुआ ऐसा लग रहा है। और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा हमको उसमें भी, और साइंस भी ठीक था सर। जैसे मॉक टेस्ट में था ना, टेस्ट में जैसे जिस तरह क्वेश्चन घुमा के दिया जाता था उसी तरह इसी में भी आया। जो भी जो पेपर आए हुए ना उससे ज़्यादा हेल्प मिला है। अच्छा, जो मतलब एनालिसिस हम लोग करवा रहे हैं। हाँ जी, उसमें जो टेक्स्ट बुक में अभी 5 या 6 सेट आए हुए हैं मॉक टेस्ट के, उससे ज़्यादा हेल्प मिला है। अच्छा, मतलब ये जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है 17 अगस्त, उसके आधार पे कुछ टेस्ट ऐड किए गए, उस टेस्ट से स्टूडेंट्स को ज्यादा हेल्प हो रहा है। भी जो क्वेश्चन है वो भी लमसम मैच ही कर रहे थे, मतलब उसी बेसिस पे क्वेश्चंस थे। अच्छा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब सारे सेक्शन में मैचुअल क्वेश्चन ही थे सारे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा? यस सर। क्या हेल्प हुआ? सर, अधिकतर क्वेश्चन उसी से आया था उसमें। अच्छा अच्छा, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाती थी? जीके करंट अफेयर। ठीक है, आप ये बताइए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहा है? ऐसा कोई सोर्स जहाँ से क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है? जिन स्टूडेंट्स का भी कहीं से भी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर पे सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। टेस्ट बुक पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लग रहा है कि मतलब मैच कर रहे, बहुत सारे टच किए गए, सारे क्वेश्चन टच किए गए ऐसा लग रहा है। वहाँ पे जितने भी मॉक टेस्ट रहते हैं लगता है कि हाँ सारे क्वेश्चन टच कर रहे हैं। हाँ, तो जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि अच्छे से मॉक टेस्ट दे और अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करें तो टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से एग्जाम दे सकते हैं। टाइम के लिए कोई टेंशन नहीं लेना तो एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, ये अभी फिलहाल फर्स्ट ही है। तो आप रेलवे एस्पायरेंट हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी करती हैं? नहीं, जब मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम मैं एकदम फ्रेशर थी, तो मैंने बस डाल दिया था फॉर्म। मुझे नहीं मालूम था कि इतने लेट से एग्जाम होगा 4 साल के बाद, तो ऐसे तो मैं बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन जब एग्जाम आया तो मैंने सोचा देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे तो मैं खुश हूँ एग्जाम देकर। अच्छा, तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सर, ये एनालिसिस देखते रहे और मॉक टेस्ट करते रहे, एग्जाम अच्छा ही जाएगा। अच्छा अच्छा, यस सर, ठीक है। रीजनिंग से तो क्वेश्चन इजी ही पूछ रहा है। यस सर, जो आपका भी फर्स्ट का वेटेज तो बहुत बिल्कुल डाउन था। अच्छा, तो आ ही नहीं, बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है? नो सर, फिजिक्स केमिस्ट्री, बस केमिस्ट्री का फार्मूलाज वगैरह याद है, हो जाएगा सर। ठीक है,
अब वन लाइनर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी में वन लाइनर वाला क्वेश्चन अगर फोकस करने से आपका बन जाएगा। अच्छा अच्छा, हार्ड क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होगा। साइंस सेक्शन में न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना होगा। न्यूमेरिकल्स का वेटेज बढ़ रहा है। न्यूमेरिकल्स का वेटेज है, एक्सपेक्टेशन से न्यूमेरिकल्स ज्यादा थे। अच्छा अच्छा, और हिस्ट्री का भी वेटेज आने वाले दिनों में हो सकता है कि बढ़े, क्योंकि आज एक क्वेश्चन देखा गया है तो धीरे धीरे उसका वेटेज बढ़ सकता है। तो बाकी बचे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, एनालिसिस देखते रहे तो मे बी एग्जाम अच्छा दो, और सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया सीधा एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर से। फर्स्ट शिफ्ट का आप देखें देखा होगा कि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट थे जो कि टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाते हैं, और इनको थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मदद मिल रही है टेस्ट बुक से। तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, और अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑफर चल रहा है टेस्ट बुक पे कि मात्र 315 रुपये में आपको टेस्ट बुक का पास मिल रहा, जो कि इसका जनरली प्राइस होता है 400 रुपये, यानी कि पूरा का पूरा 85 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिंड किया हुआ मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। और हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल साइंस का पीडीएफ तैयार किया है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944। आप इस व्हाट्सएप में हाई लिख करके आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।